वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज है दिवाली का दूसरा दिन 13 नवंबर, और चलिए आज आपको दिखाते हैं कि आज हमारे घर में पूरे दिन क्या क्या हुआ है, क्या क्या हम लोगों ने खाया है, कैसे इंजॉय किया है दिवाली के दूसरे दिन। तो चलिए ब्लॉग में लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करके बताया करिए कि कैसी है वीडियो, और पूरा आप देख सकते हैं मतलब 3-4 दिन से जब से ससुराल में आई हूँ सोने को नहीं मिला है सही से, मतलब रात में सोती हूँ दिन में नहीं सो पाती हूँ, पूरा आँख एकदम मतलब भारी भारी सा है और नींद भी नहीं आ रहा है काम की वजह से, क्योंकि मेरा यूट्यूब का और व्हाट्सअप का फेसबुक का बहुत सारा काम रहता है अभी, और कोलैब तो नहीं करती हूँ बट हाँ जो वीडियो वगैरह एडिट करना होता है मैं जब जब के रात रात में करती हूँ पूरा। तो आप वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा। चलिए लास्ट तक देखिए, और हमारी सासू माँ ने हमें क्या गिफ्ट दिया ये भी आपको ब्लॉग में लास्ट में देखने को मिलेगा, और देखिएगा क्या दिया उन्होंने हमें गिफ्ट में, तो लास्ट में रहेगा पक्का देखिएगा ठीक है। तो दादी जी को मम्मी जी ने दिया पायल में, पायल गिफ्ट दिया दिवाली पे, और हमें क्या दिया ये आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, इंटरेस्टिंग है बहुत। तीनों के तीनों बिजी हैं फोन, सब एक से बढ़ के एक प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट हैंडल कर रहा है। ये देखिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा साफ ही साफ, हम लोग मोबाइल नहीं चलाते, एडिट किया था ये भी सब के सब। बाप रे अच्छा लगा ना, ऐसे हमने डबल लेयर करके और फिर इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट पड़े हैं, सभी को इस तरह से कोट कर देती हूँ, ये टीबल हो जाता है देखो। चाय, रोटी, पकौड़ी, दिवाली के दूसरे दिन का हमारा नाश्ता है। अभी तो चाय और चाय जाएगा उस दियो, और बेसन हुआ और थोड़ा सा गेहूँ का आटा पड़ा है, मतलब दर दरा रहा चावलों का, तो वही नाते गेहूँ का आटा। और इसमें लाल मिर्ची पाउडर है, सरसों है, सरसों पाउडर, जीरा क्या जीरा धनिया अच्छा जीरा और सरसों पाउडर है, नमक है, ये सब ये देखिए, ओ माय गॉड, मिर्ची बहुत अच्छे से पक चुका है, और अभी मम्मी जी निकाल रही हैं इसको, यूं कर अच्छा बने। ये और ये जा रही है हमारा नाश्ता लगाने, ये देखिए किसको किसको खा रहा है मेरा नाश्ता, आ जा मेरे पास। ये दाल पूड़ी, पकौड़ी, मिर्ची का पकौड़ी, ये फूल का जो ऊपर का होता है ना छोटा सा, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं वो है, खीर हम जानते हैं, ये सब्जी, ये चटनी, इसकी रेसिपी, चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ इसका चटनी। ठीक है अभी सब जा रहे हैं खाने, सबका निकल चुका है थाली, सज गया है। मैं लेके जा रही हूँ नाश्ता, और इन लोगों को देख लीजिए जरा, ये देखिए किसको खाना है। ये सब नाश्ते पे बैठे हैं, दादी जी को सादा रोटी चाहिए,
इनका सबसे बड़ा टास्क राशि को खाना खिलाना है ना। ये इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं, खाएगी कि नहीं खाएगी, बस इनको छुट्टी मिल जाता है। खाएगी क्यों नहीं खाएगी। केरमुआ करके कोई साग है, उसका मम्मी पकौड़ी बना रही है। देखिए इस तरह से इसका लपेट लपेट के और ये जाएगा तेल में, पूरा अच्छे से लगाना है, कोट करना है इसको। कढ़ाई तो पूरा लहन गया है क्योंकि बहुत सारा चीज एक बार में छनाया ना, इसलिए तूर तूर पकौड़ी वाले जा भुजत वाला साग वाला। पहले पुड़िया ना दी है? नहीं मम्मी अभी नहीं दिलाया है। निकाल साग वाला है ये इसको देखिए, दिन भर गोदी दिन भर गोदी। ओ ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मम्मी यहाँ पे? चावल पीस रहे हैं। इनको देखो ये बच्चा क्या कर रहा है? ये भी पिसा रही है। क्या कर रही हो राशि? किसके लिए? भगवान जी के लिए। तो वो क्या करेंगे? हाँ व्हाट? हाँ खारा बनेगा इसका, और दुखता दाल वाला दाल पीस करके। सो ये देखिए इसमें खड़ा चावल डाली नहीं है ना, तो क्या क्या करेंगे बेटा? भाई दूज है ना। ओके सो ये दिवाली के जस्ट बाद देखिए मशीन बिना पिसवा के इसमें घर पे पीसा जा रहा है। घर वाला और अच्छा होता है ना। चावल आई गॉट द स्मिथ स्मिथ। फिलहाल इनकी बातें सुनते हैं। आई गॉट द सिक्स ओनियन। ओके ओके यू गॉट सिक्स ओनियंस एंड गोलगप्पे। ओके ये देखिए चकिया दरेती क्यों कहा लग चकिया दरेती बोलते हैं। चावल हम लोग अभी इसमें डाल डाल के ऐसे ऐसे घुमाएंगे। अब देखिएगा कैसे चक्किया चलाया जाता है। दादा इसको चलाना है। अरे पापा छोड़ छोड़ घुमावे तब ना, अब गठिया में चोट लग जाए बच्चा। मैं अपनी लाइफ में पहले ये कभी नहीं चलाई थी, फर्स्ट टाइम चलाई और बहुत मजा आया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं खुद से घुमाने की अकेले कोशिश कर रही थी, अकेले ही घुमाऊंगी। लेकिन हाँ मेरे हाथों में छाले भी बढ़ गए थे। एक क्या बनाओगी मम्मी इसका? आरा। क्या व्हाट? आरा आरा अच्छा तब आरा जब दाल भिगो पीस के बना ला। क्या आरा क्या है दादा? ऐसा भी कुछ बनता है? दाल भिगाए के तब पीस के। तो मिक्सर में कहीं कर रही हो ये? ना करी तो जल्दी से मिक्सर खराब हो जाता है ना। अच्छा मिक्सर खराब हो जाता है इसलिए नहीं कर रही है। ऐसे करी था तो यानी एक्सरसाइज हो जाए। मेरे बच्चे को क्यों नहीं करने दे रही हो तुम लोग? क्या कर रही है राशि? क्या काम कर रही है? भगवान जी की हेल्प करने का काम कर रही है। तो उसमें क्या हेल्प होगा? खाना खाने का। कौन खाना खाएगा? भगवान जी खाना खाएंगे। तो इससे क्या बनेगा? फारा हो ना भैया जी के फारा खिलाएंगे। ठीक है। अरे केहू भैया जी ऐबे करी है, नहीं तो केहू भैया बना ली है। नहीं बात है, तुम लोग मुझे क्यों नहीं करने देते हो? ओह माय गॉड मम्मा क्यों ऐसे करती हो? भगवान जी के खाना बना रही है।
पहले इसको ऐसे करके और फिर हम लोग पानी डाल के आटा बनाएंगे, फिर बनाएंगे खाना इसका। मुझे भी दे दो क्या आटा प्लीज। ठीक है, बेलन भी चाहिए इसको बनाने वाला। खौला है पानी, उसी में आटा डाल के अभी आया है सिंघाड़ा। बहुत बड़ा बड़ा है सिंघाड़ा, ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा, ये देखिए। और हम से जा रहे हैं खाने, इसमें लेके जा रहे हैं थाली में। तीखा तीखा चटनी बनाया है, लहसुन मिर्चा और नमक का, बहुत तीखा है, बहुत तीखा है सिंघाड़ा। और इससे पहले मैं चलाई थी चकिया, जो जिससे देखिए मेरे हाथ में छाले पड़ गए, देखिए इस तरह से छाला पड़ गया है हाथ में। जिंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा चकिया चलाई, मतलब कभी चलाई नहीं थी, पहली बार गया, फर्स्ट टाइम ही मैंने चलाया। टेस्टी लग रहा है ना बड़ा बड़ा सा। मम्मी जी शाम का पूजा कर रही है, दिवाली के दूसरे दिन का, देखिए इधर से बैठी है। क्यों बेटा ऐसे नहीं बोलते? मारे वो मारे हैं। हाँ। तो आप बदमाशी कर रही थी तो मारना पड़ेगा ना। दादी सासू माँ है, मेरे ये डक जो बेच रहा है ना अंकल जी, ये डक छोटा सा हमारे यहाँ का मार्केट। मम्मी जी लेके जा रही हैं दिया रखने के लिए, लाइट भी चल चुका है। मम्मी के लिए सारा लगाया है पौधा वगैरह, इन्हें बहुत शौक है पौधे वगैरह लगाने का। और ये सो मम्मी जी रख दी दिया, मुझे दे दी कि जाओ तुम, मतलब फर्स्ट फ्लोर, मतलब ऊपर टेरिस पे रख दो, तो मैं टेरिस पे रखने आ गई। ये देखिए हमारा टेरिस जो कि ऐसा है, और ये देखिए ऊपर के नज़ारे टेरिस के। ये बगल में एक चाचा जी हैं, उनका है। तो मुझे मम्मी ने भेजा कि जाओ एक दिया रख दो यहाँ पे, मैंने बोला अब है मैं रख देती हूँ मम्मी। सो मैं सोच रही हूँ कि एक दिया यहाँ पे रख देती हूँ, देन एक दिया पीछे रखना है मुझे। ये देखिए ऐसा बहुत बड़ा छत है, देखिए कुछ ऐसा। ये है बैक साइड का, ऐसा है। यहाँ भी मम्मी पौधा वौधा लगा रखी हैं, और पीछे बहुत सारा पौधा इधर लगा हुआ है, आम का है ऐसा। ये देखिए पीछे से ऐसा कुछ दिखता है। और अभी मम्मी बोली कि एक दिया यहाँ पे भी रख के आ जाओ, तो मैं यहाँ पे भी रख देती हूँ। देन अब मुझे जाना है नीचे, और मैं नीचे जा रही हूँ। यार दिया जलता तो कितना अच्छा लगता है ना, मम्मी तो बस मुझे बहुत पसंद है। नीचे जाने की, मैं नीचे जा रही हूँ स्टेयर। जा रही हूँ अंदर पूजा रूम में, देखते हैं क्या कर रही हूँ मम्मी। ये देखिए ये मेरे देवर जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनके ऑफिस से ये सामान आया है, ये बैग, ये वो कुछ है। देखते हैं इसमें क्या है, देखते हैं इसमें क्या है, ये दिखाओ तो। ये क्या है, दिख रहा है
तो पैकेट ओपन हो गया है, ये देखिए इसमें मुझे तो दिख गया नान खटाई है, आलमंड्स है, मखाना नमकीन है, मुझे बहुत पसंद है भाई ये मखाना है, मसाला मखाना है, और ये है कैंडल, रोज कैंडल है, ये सेंटेड अगरबत्ती है, यही वाला, ये आलमंड्स, और ये काजू कतली, काजू कतली है एक, और क्या ये पिस्ता, और ये आपका बकेट, बकेट टोकरी, टोकरी है, यस टोपी मेरा, प्लास्टिक का, ये खाइए खाइए, एंजॉय करिए आप लोग, नहीं तो मैं दे देता हूं, तुम्हारे काम है, ये आ गए हमारे डॉल कैसे लोग दिखाइए ना यार, अरे मैं हीरा बात, अरे मैं हीरा बात, अरे मैं सुग्गा बात, अरे मैं सुग्गा बात, आवा ओ रिद्धि, देखो तो इधर दिखाइए, खाना भी चाहिए, बदली खिलाने जा रही है दादी को, जा खिया मिठाई, इतना ही मम्मी जी ना छोटी सी बहनी को थपकी दे रही है, कह रही इतना मारी ना ढका रहे नहीं किया, क्या है वो, क्या लिखी वो टू, अच्छा वो नहीं, ठीक है मैं कंफ्यूज था, मुझे एक्चुअली लगा ये यस है, लेकिन उल्टा में यस है कि सीधा में यस है, क्या है, अभी रिद्धि आ रही है, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा सो ये कुछ कुछ हमारा दिवाली क्या था, ये रंगोली, और वहाँ पे अभी कुछ नया कलाकारी हो रहा है लेकिन उसको ना 20 लग रहा है कैसे बोलती है डक, हाँ डक फुला रही है, रिद्धि के बन रहा है, कैसे डक बोलती है, इधर देख के बोलिए तो, ओके सो डक ऐसे बोलता है, एक्चुअली अभी हमारे बच्चे का रिद्धि जिसका नाम है उसका 2 महीना पूरा हो गया है, इसीलिए ये नया नया कुछ कुछ हो रहा है, हाँ गुड, हेलो हेलो बेटा, ये देखिए इनको जबरदस्ती इस तरह से बैठाने की कोशिश की जा रही है, ये जब बड़ी होंगी ना तो कुछ कुछ देखेंगी कि कितना डिस्टर्ब करते हैं सब, सोने नहीं देते हैं इस बच्चे को, देखो 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 देखो, देखो। बैठी है तो हट जा बेटा, हटो हटो, मीटिंग नाइट मोड ले जा रहा बेचारी, चलो चलो बैगन भरता बना हुआ है, इसे ऐसे ऐसे सान देना है हाथ से, रिंकी इसमें नमक दे दीजिए, जमीन नमक नहीं डला हुआ है, नमक चाहिए मुझे, इस तरह से मैश कर लीजिए, इसमें पहले मैंने बैगन को फाड़ लिया था, फाड़ने के बाद इसमें तेल लगा दिया था, मस्टर्ड ऑयल, और फिर इसे गैस पे जला दिया, दे दीजिए
नमक, बस नमक डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से फोड़ लीजिए इसको। पनीर मत दीजिए, पनीर नहीं। इसका हमारा डिनर बैंगन भरता, आलू भुजिया, मिक्स वेज, कोरियन मिक्स वेज और ओनियन, ये सब का निकल गया है। सारे परिवार कैसे देखिए है, राइस और क्या है दाल। ये देखिए पापा का खाना निकल रहा है, तो पहले पापा को दिया जाएगा, फिर मम्मी को। दादी जी जो आई हैं वो खा चुकी हैं, तो मुझे पहले जा रही हूँ पापा जी के पहले खाना। पापा जी कुछ खाना लावा थी का, तो हम लोग बोले हाँ पापा मैं खाना लेके आती हूँ, तो ठंडा हो जाएगा जी। हाँ जी, अभी तो रोटी भी बाकी है, जल्दी 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 एकदम। ये देखो तो रोटी, यस तो मैं देखिए आती हूँ। सब लोग डिनर कर रहे हैं, सो हो गई है रात और आज का ब्लॉग यही बंद करते हैं हम लोग, और हम लोग सोने जा रहे हैं। तो हम लोग सब लोग खाना खा चुके हैं, और खाने का पूरा मेन्यू मतलब जो थाली में सर्व था वो सब आपको दिख जाएगा मेरे ब्लॉग में। ये देखिए मेरी राशि रानी को खुजली हो रहा है पीठ में, सबको गुड नाइट बोल दीजिए सब लोग। ओके, बाय, गुड नाइट। ओ मेरा